हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे दोस्तों। सर्दी के दिनों में खूब अच्छी अच्छी गार्डनिंग कर रहे होंगे। वेलकम टू माय चैनल लक्ष्मी गार्डनर चैनल। अब थोड़ी थोड़ी धूप आई है दोस्तों, देखिए तो एडेनियम के प्लांट को मैं इस समय खोलने आई हूँ। रोज़ सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा कोहरा, आज 8 दिन के बाद मेरे लखनऊ में थोड़ी थोड़ी धूप आई है। ये देखिए, इसके अंदर सारे एडेनियम सेफ हैं और एडेनियम इस तरह सेफ हैं दोस्तों कि अभी भी इनमें पत्तियां, आज दिसंबर की 31 तारीख है, साल का लास्ट दिन है, अभी भी मेरी पत्तियां एकदम हरी हैं। देखिए, मैं शाम को आज 15 दिन से यही काम कर रही हूँ। 3-4 दिन पहले आपको वीडियो डाला था दोस्तों कि मैंने कवर करके रखा है। सुबह आती हूँ तो छत पे उसकी बूंदें और कोहरे से, ठंडी हवाओं से ये प्लांट बहुत परेशान थे, तो मैंने इनको कवर कर दिया दोस्तों। ये देखिए, अभी भी पत्तियाँ हरी हैं। ये देखिए, अभी भी इस लाइन में मेरे पूरे एडेनियम के प्लांट अभी हरे हैं। इसको भी हटा देती हूँ दोस्तों, किनारे किनारे डोरी से, ये देखिए डोरी से बांध देती हूँ और सुबह आके खोल देती हूँ। एडेनियम के शीट पॉट भी मेरे सुरक्षित हैं। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे वीडियो की हर जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, कई लोगों ने मुझे कमेंट किया कि मैम, डोरमेंसी का क्या मतलब होता है? तो डोरमेंसी का मतलब है दोस्तों, इनका सुप्त अवस्था आ गया है। दिसंबर और जनवरी हमारे एडेनियम के लिए काफ़ी कठिनाई का समय होता है। देखिए, इस प्लांट में कुछ पत्तियां तो पीली हो रही हैं। डोरमेंसी का मतलब है अब इनमें हमको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, जो पीली पत्तियां हैं दोस्तों, उनको हटाते चलिए। दोस्तों, आज आपको एक बात बताना चाहती हूँ। कभी हम लोग भी नए थे, जो बिगनर्स होते हैं उनको पूरी जानकारी ना होने की वजह से बहुत नुकसान का उठाना पड़ता है। देखिए, अभी भी कलियां हैं, दिसंबर की आज 31 तारीख है दोस्तों, मेरे प्लांट में अभी भी फ्लावरिंग है। इसका कारण है कि मैं इनकी प्रोसेस को पूरी तरह से जान चुकी हूँ। कोई भी पत्ती पीली नहीं इस प्लांट में दोस्तों, कली भी है। ये देखिए, कली भी है, सीड पॉट्स भी हैं और फ्लावरिंग भी है। एक ही प्लांट में 3 प्रोसेस चल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको करना है, डोरमेंसी के समय हमें क्या करना होगा, क्या सावधानी बरतनी होगी, मैं बिगनर्स को बता रही हूँ। देखिए, जो सूखी पत्तियाँ निकलती हैं दोस्तों, जो आसानी से निकल जाती हैं, उन्हीं को निकालिएगा। ज़ोर से खींच के निकालने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो यहीं से आपके स्टंप में घाव हो जाएगा और घाव होगा तो फंगस लग के प्लांट मर जाएगा। सीड पॉट को भी हमें कलेक्ट करके रखना ही है, क्योंकि अगले सीजन में हमको नए बीज कहाँ से मिलेंगे अगर हम सीड पॉट को कलेक्ट करके नहीं रखेंगे। तो अब आपको तो समझ में आ गया होगा, और इन पत्तियों को दोस्तों आपको फेंकना नहीं। देखिए, मेरी ये कंपोस्ट बिन है, इसमें मैं पत्तियों को इकट्ठा करती रहती हूँ, कंपोस्ट बनता रहता है, प्लांट में यूज़ करती रहती हूँ। और अभी फरवरी के महीने में दोस्तों, हमको जब रिपोर्टिंग करनी होगी तो इन पत्तियों की बड़ी ज़रूरत लगेगी। अब आपको बताना चाहती हूँ, जो प्लांट पूरी तरह से, कोई कोई प्लांट खाली हो गए हैं, आपको दिखाऊँगी। देखिए, ये प्लांट में पत्तियाँ काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई हैं, सूखी सूखी ब्रांचेस बची हैं। देखिए, ऊपर थोड़े टॉप पर ब्रांच पत्तियां हैं, बाकी सब खत्म हो गई हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि हमारा ये प्लांट मर जाएगा। अगर हम कुछ सावधानियां बरतेंगे तो ये प्लांट कभी नहीं मरेगा। जैसे कि हमको करना होगा कि इनकी मिट्टी को चेक करना होगा। देखिए, एक हाथ में कैमरा है दोस्तों, अगर हमारी मिट्टी बहुत भुरभुरी है तो हमारा प्लांट कभी भी नहीं मरेगा। आपको स्टेम को चेक करना होगा, रूट को चेक करना होगा, आपको कॉर्डेस को चेक करना होगा। अगर दब रहा है तब तो इनको पानी की ज़रूरत है, वरना अगर टाइट है, ये तो बहुत ज़्यादा टाइट है दोस्तों। ये देखिए, ये कॉर्डेक्स देखिए, पूरा टाइट है, अब इनमें पानी की कोई ज़रूरत नहीं। हालाँकि हमारे प्लांट की मिट्टी एकदम सूखी है, ये देखिए सैंड सैंड है जो सूखी है, लेकिन हाँ, 3 इंच के नीचे की मिट्टी अभी गीली है, इसलिए मैं पानी बिल्कुल नहीं दूंगी अभी। इसका विशेष ध्यान रखना है आपको दोस्तों। अब
आपको तीसरी चीज़ बताना चाहती हूँ, कोहरा ठंडी हवाओं से और ओस की बूंदों से, सर्दी की बारिश से हम अपने प्लांट को कैसे बचाएं दोस्तों। तो मैंने अभी आपको दिखाया था कि मैं 5 बजे शाम को आके, इतने सारे प्लांट हैं दोस्तों, मैं कभी शेड नहीं लगा पाती हूँ, खुली छत के नीचे रखे हैं मेरे प्लांट, सब खुली छत के नीचे ही रखे हैं। तो मैं एक देसी तरीका अपनाई हूँ, जो वीडियो मैंने 5 दिन पहले ही डाला था। ये बड़ी पन्नी ले लेती हूँ, ये देखिए, और इसी को इस पे कवर किया हुआ था। देखिए अभी एक 5 दिसंबर को मैंने एक प्लांट का प्रूनिंग किया था दोस्तों, और उसका ये देखिए ढक के रखा है, छोटी छोटी शूट भी आपको दिख रही होंगी, ये देखिए निकल के आ गई हैं, ये देखिए। बस आपको ढक के रखना होगा और सुबह के टाइम इनको खोल देना होगा। इस तरह आपके प्लांट पर, अब आप मेरे अडेनियम का मदर प्लांट भी देख लीजिए जो कवर रहता है, लगता है इस पर कोई डोरमेंसी आई है, नहीं, कली भी है, फूल भी है, और छोटे छोटे देखिए सीड पॉट भी आ गए हैं। इसलिए हमको 2-4 बातों का बिल्कुल ध्यान रखना होगा, तो हमारे प्लांट अगले सीजन तक के लिए बिल्कुल अच्छे भरे होंगे। अब समय आ गया है दोस्तों कि हम इनको 1 महीने बस बचा ले जाएं, नहीं तो प्लांट गल जाएंगे, खुले ओस के नीचे रखेंगे, ठंडी हवाएं लगेंगी और बारिश भी हो सकती है, सर्दियों में होती भी है, तो आपका प्लांट खराब हो जाएगा और मर जाएगा, क्योंकि सर्दियों में ये पानी को तो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर नहीं पाते हैं दोस्तों, इनकी मिट्टी बहुत जल्दी सूखती नहीं है। लेकिन मेरे प्लांट की तो देखी सूखी है, अभी धूप निकली है, मैं सारे प्लांट में आज पानी दूंगी, फिर जनवरी 20 तक कोई पानी नहीं। आज देखिए मैंने अपने अडेनियम के बेबी प्लांट को इन्हीं से निकाला है कवर के नीचे से, और देखिए दिसंबर की 31 तारीख है, कितना बढ़िया हरा हरा प्लांट है, इसकी एक भी पत्ती बेबी प्लांट की दोस्तों कहीं से भी सूखी नहीं है ना झड़ी है। देखिए अगस्त के महीने में मैंने इनकी कटिंग लगाई थी, कटिंग देखिए एकदम हरी भरी है, ऊपर से कलियां भी हैं, ये कलियां खिलेंगी भी, ऐसा नहीं कलियां नहीं खिलेंगी। आपको मैंने कई वीडियो में बताया है दोस्तों कि मेरे अडेनियम के प्लांट दिसंबर जनवरी भी फ्लावरिंग करते हैं, बस इसी कारण है कि हम बहुत इनकी देखभाल करते हैं, विशेष केयर करते हैं, इसलिए आप भी अच्छे से विशेष केयर करिए अपने प्लांट को, फरवरी मार्च तक लेके चलिए, कोई गलती मत करिएगा दोस्तों, नहीं तो आपका प्लांट खराब होने में टाइम नहीं लगेगा। इन बातों का ध्यान रखिए, छाया कर दीजिए, पानी की कमी करिए, बहुत ज़्यादा कम कर दीजिए, 20 दिन में एक बार पानी डालिए, कोई प्लांट मरेगा नहीं, पानी की कमी से नहीं मरता दोस्तों अडेनियम, पानी की अधिकता से मरता है। ये अपने कोडेक्स में दोस्तों देखिए, बहुत सारा पानी जो कि इसको 2 महीने पानी ज़रूरत नहीं, स्टोर करके रखता है, समय समय पर इससे ही खाना पानी ग्रहण करता रहता है, इसलिए आपका भी ध्यान रखिए, पानी की अधिकता मत करिए, और पानी जब दीजिए फंजीसाइड पाउडर को मिला के ही देख दीजिए। अब आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए मेरा पानी तैयार रहता है फंजीसाइड साथ मिला हुआ, जब किसी पर स्प्रे करना हुआ कर दिया, और किसी पे देना हुआ तो भी दे दिया, स्प्रे भी करते रहिए, मिली बग का और सफ़ेद सफ़ेद काले काले छोटे कीड़ों का भी अटैक होता रहता है। आज धूप निकली है तो थोड़ी ट्रीटमेंट मैं अपने अडेनियम प्लांट पर करूँगी, देखिए नई नई ग्रोथ भी आ रही है अडेनियम पे, कहीं लगता है मेरे प्लांट में डोरमेंसी आई हुई है, नहीं, मेरे प्लांट पूरी तरह से कभी भी झड़ते नहीं हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, थैंक यू।